वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है और आज के जो इस लेक्चर के टॉपिक हैं वो है मार्केटिंग फंक्शंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग फंक्शंस से पहले कॉस्ट एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ऑन द एवरेज 50% ऑफ ऑल प्रोडक्ट कॉस्ट कैन बी ट्रेस डायरेक्टली टू मार्केटिंग, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट होती है उसकी जो 50% कॉस्ट होती है ऑन एवरेज वो डायरेक्टली ट्रेस की जा सकती है मार्केटिंग, यानी कि 50% यानी कि जो आधी कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग कॉस्ट होती है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी ज़्यादा एक कस्टमर कॉस्ट पे कर रहा है 50% मार्केटिंग कॉस्ट, तो उसको बदले में क्या मिल रहा है? तो उसका जवाब मार्केटिंग फंक्शंस में है कि मार्केटिंग फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। मार्केटिंग फंक्शन के अंदर बाइंग शामिल है, प्रोडक्ट को बाय करना, सेल करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको स्टोर करना वेयर हाउस वगैरह में, स्टैंडर्डाइजिंग और ग्रेडिंग करना। स्टैंडर्डाइज किया जाता है प्रोडक्ट को, ग्रेडिंग की जाती है, जैसे कि ग्रेड ए की प्रोडक्ट है, ग्रेड बी की प्रोडक्ट है, ग्रेड सी की। और उसके अलावा फाइनेंसिंग करना और रिस्क लेना और इन्फॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें जो है वो मार्केटिंग फंक्शंस में आ जाती हैं। तो जो 50% कॉस्ट पे कर रहा है कस्टमर, तो वो इन फंक्शंस की वजह से पे कर रहा है। सिर्फ मार्केटिंग के अंदर कोई एक चीज़ शामिल नहीं है, बल्कि ये इसके 8 फंक्शंस हैं, 8 यूनिवर्सल मार्केटिंग फंक्शंस हैं। बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग और सिक्योरिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट कस्टमर एंड बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आर्ट और साइंस है जिसमें क्या होता है कि चूज़ किया जाता है टारगेट मार्केट्स को, कि टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं, और फिर उनको चूज़ करने के बाद उनके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाया जाता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके ज़रिए प्रॉफिट मिल रहा होता है। सो क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू इज़ द की। की क्या है? कि क्रिएट करना, डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, ये जो है की है। नाउ दी डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग टू रिड्यूस डिमांड टेम्परेरीली और परमानेंटली, यानी कि रिड्यूस करना डिमांड जो है वो टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली। द एम इज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय डिमांड बट ओनली टू रिड्यूस और शिफ्ट। इसका ये मतलब नहीं होता कि डिमांड को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बल्कि उसको कम किया जाता है या उसको शिफ्ट किया जाता है। कोई कंपनी जो है, जाहिर बात है, किसी वजह से डिमांड पूरी नहीं कर पा रही होती, तो उसको जो है जाहिर बात है उसको रिड्यूस किया जाएगा या उसको शिफ्ट किया जाएगा। ये नहीं होता कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा डिमांड को, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। नाउ द रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए इस्टेब्लिश किया जाता है और मेंटेन किया जाता है म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ भी और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी। स्टेक होल्डर्स से मुराद वो लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। सो टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट हैं, कस्टमर फोकस है और एक दूसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चेंज इन परस्पेक्टिव। अब आपके सामने दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि पहले के दौर में जो दौर था वहाँ पे जो सेलिंग वगैरह होती थी वो किस तरीके से होती थी और आज के दौर में किस तरीके से होती है। पहले के दौर में क्या होता था? हेयर इज़ दिस ग्रेट प्रोडक्ट, डोंट यू वांट टू बाय, यानी कि अपनी कंपनीज वगैरह या जो भी मैन्युफैक्चरर होते थे वो प्रोडक्ट्स बना लेते थे अच्छी से अच्छी, जो उनकी नज़र में, उनकी सोच के मुताबिक अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट होती थी, और वो ला के जो है वो बायर के सामने रख देते थे कि ये प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है और आपने जो है ये ख़रीदनी है। तो उसमें ये होता था कि ज़ाहिर बात है लक होता था कि अगर बायर की मर्ज़ी के मुताबिक प्रोडक्ट सामने आ जाए, तो उस पर लक की बात होती थी कि बायर की मर्ज़ी के मुताबिक कोई प्रोडक्ट आ जाए। लेकिन आज का दौर जो है वो चेंज हो चुका है। आज ये है कि हेयर इज़ व्हाट आई नीड, कैन यू मेक इट, यानी कि बायर ख़ुद जो है डिमांड करता है कि क्या आप मेरे लिए बना सकते हैं। आज के दौर में जो सेलर होता है, जो वो उसको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है इस बारे में जानने के लिए कि मतलब क्या क्या बायर की जो है वो डिमांड है, क्या क्या नीड्स हैं। तो आज का ये दौर चल रहा है और इसी वजह से रिसर्च की जाती है, मार्केटिंग रिसर्च। सो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स, वेज टू मार्केट यू टू योर कस्टमर ऑन अ 1-to-1 बेसिस। इनमें जो है वो फेस टू फेस चैनल्स शामिल हैं, डायरेक्ट मेल है, कैटलॉग है, टेली मार्केटिंग है और ऑनलाइन मार्केटिंग शामिल है।
सो नाउ द कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग, इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या है? इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू कीप लॉयल कस्टमर देन टू कॉन्स्टेंटली बी अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर। यानी कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको कीप रखा जाए, उनको रोके रखा जाए अपने पास, देन टू कॉन्स्टेंटली बी अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर। नए कस्टमर को लगातार अट्रैक्ट करने से बेहतर ये होगा कि जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको अपने पास रोके रखा जाए, उनको सेटिस्फाई किया जाए, उनकी जो भी जारी बात रिक्वायरमेंट्स हो उनको पूरा किया जाए, तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने से ज़्यादा। क्योंकि जो लॉयल कस्टमर होता है वो जब एक कस्टमर लॉयल बन जाता है तो वो बार बार उसी जगह से ख़रीदना चाहता है। सो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर की जो है वो लाइफ टाइम वैल्यू भी जो है वो निकाली जाती है, और वो निकालने का कुछ तरीका इस तरीके से होता है कि जो रेवेन्यू और जो टेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं जिसके अंदर रेफरल और कस्टमर का फीडबैक वगैरह शामिल होते हैं, डेटा कस्टमर ब्रिंग्स टू द सेलर, जो कस्टमर की वजह से मिलते हैं एक सेलर को, यानी रेवेन्यू से मतलब इनकम और जो भी इंटेंजिबल बेनिफिट्स कस्टमर की वजह से सेलर को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं ओवर एन एवरेज लाइफ टाइम इन द कैटेगरी। एवरेज लाइफ टाइम के अंदर लेस द अमाउंट, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा अमाउंट कंपनी मस्ट स्पेंड टू एक्वायर, जो कंपनी स्पेंड करती है एक्वायर करने के लिए, मार्केट करने के लिए, उस सर्विस के लिए कस्टमर को, तो उस अमाउंट को माइनस किया जाएगा उस रेवेन्यू में से जो कस्टमर लेकर आता है सेलर के पास, रेवेन्यू और जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं। तो इससे लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो कस्टमर की जो है वो निकाली जाती है। एक तरह से जो भी कस्टमर ने रेवेन्यू लेकर आया और जो इंटेंजिबल बेनिफिट लेकर आया, यानी कि जो इनकम वगैरह आई या फिर दूसरे जो बेनिफिट्स कस्टमर की वजह से आए, रेफरल वगैरह या फीडबैक वगैरह, उसमें से माइनस किया जाएगा जो कंपनी ने स्पेंड किया था, उसको जब माइनस करेंगे तो फिर उससे जो है लाइफ टाइम वैल्यू सामने आ जाती है कस्टमर की। सो नाउ द कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग, हाउ डू आई गो अबाउट इंक्रीजिंग द एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ माई कस्टमर, किस तरीके से जो है वो इंक्रीज किया जाएगा एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो कस्टमर की। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स को, उसके बाद बिल्ड अप लर्निंग रिलेशनशिप विद देम, एक लर्निंग रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है उनके साथ, एंड प्रोवाइड अ सस्टेनेबल एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिशन, सस्टेनेबल एक एडवांटेज प्रोवाइड किया जाता है ओवर कॉम्पिटिशन। सो नाउ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक जो है वो समझा जाता है। तो CRM जो है क्या है, ओवरऑल प्रोसेस है बिल्डिंग और मेंटेनिंग का प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है बिल्ड करने का और मेंटेन करना प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, और किस तरीके से डिलीवर करते हुए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन को। द न्यू व्यू इज़ दैट, नया जो व्यू है वो ये है कि मार्केटिंग जो है क्या है, आर्ट और साइंस है फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, रिटेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। सो इट कीप्स इट कॉस्ट 5 to 10 टाइम मोर टू अट्रैक्ट अ न्यू कस्टमर देन इट डस टू कीप अ करंट कस्टमर सेटिस्फाइड, यानी कि 5 से 10% ज़्यादा कॉस्ट आती है अगर नया कस्टमर जो है अट्रैक्ट किया जाए उसके मुकाबले में कि अगर किसी सेटिस्फाई कस्टमर को बरकरार रखा जाए, तो ये फ़र्क है बहुत बड़ा। सो मार्केटर मस्ट बी कंसर्न विद द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, मार्केटर्स को लाजमी जो है वो कंसर्न होना चाहिए लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में। सो रिलेशनशिप का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। सो वाट इज़ द CRM, स्ट्रेटजीज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसके अंदर जो है वो स्ट्रेटजीज शामिल होती हैं जिसके अंदर फोकस किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना और लॉयलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, लॉयलिटी भी और प्रॉफिटेबिलिटी भी, बाय लेवरेजिंग सुपीरियर कस्टमर नॉलेज अक्वायर्ड स्टोर्ड एंड एक्टेड अबाउट विद द एड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और कस्टमर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका पूरा जो है वो एक रिकॉर्ड रखा जाता है। सो वाट आर द गोल्स ऑफ CRM, अब इसके गोल्स क्या हैं, द आइडिया ऑफ CRM इज दैट हेल्प्स बिजनेसेस
सीआरएम के जरिए क्या होता है कि ये हेल्प करता है बिजनेस को कि टेक्नोलॉजी यूज़ करे टू गेन इनसाइट इनटू द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, ताकि कस्टमर का जो बिहेवियर है उसके बारे में पता चल सके, एंड द वैल्यू ऑफ दोज कस्टमर, और जो वैल्यू इन कस्टमर की, इफ़ इट वर्क्स एज होप आप बिजनेस कैन, अगर ये सही तरीके से काम इससे लिया जाए सीआरएम से तो क्या होगा, सही तरीके से अगर ये काम करे सीआरएम, आप बिजनेस कैन प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, एक बिजनेस जो है वो एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, मेक कॉल सेंटर्स मोर एफिशिएंट, कॉल सेंटर्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, हेल्प सेल्स स्टाफ डील्स क्लोज डील्स फास्टर, जो सेल्फ स्टाफ होता है वो क्लोज कर सकते हैं डील को तेज़ी से, सिंप्लीफाई करता है मार्केटिंग और सेल्स प्रोसेस को, और डिस्कवर करता है नए कस्टमर जो है वो उनको भी डिस्कवर। सो नाउ दी वैल्यू ऑफ लॉयल्टी, अब लॉयल्टी की वैल्यू क्या है, फर्म्स जो है वो रियलाइज़ कर चुकी हैं वैल्यू जो है वो कस्टमर रिटेंशन की, रिटेन करना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है कस्टमर को। फैक्ट्स, अब उसका फैक्ट्स ये है कि विनिंग अ न्यू कस्टमर इज़ यूजुअली, नए कस्टमर विन करना जो है वो यूजुअली 5 से 10% ज़्यादा कॉस्टली होता है निस्बतन पुराने कस्टमर को रिटेन करने के, और कस्टमर जो है वो यूजुअली मोर प्रॉफिटेबल द लॉन्गर यू कीप देम, जितना ज़्यादा कस्टमर को रखा जाएगा बरकरार तो उतने ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होंगे। वाई द क्वेश्चन अभी एक है, द वैल्यू ऑफ लॉयल्टी गोज बियॉन्ड सिंगल कस्टमर्स। सो अभी एक कंपेरिजन दिखाया जा रहा है आपको तस्वीरों के ज़रिए भी कि लॉयल कस्टमर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोर एंड मोर क्रेडिबल रेफरल, वो रेफरल जो है वो होता है, अब एक कस्टमर अगर लॉयल है तो वो दूसरों को भी रेफ़र करेगा, ना सिर्फ वो खुद परचेस करेगा उस जगह से जहाँ से वो सेटिस्फाइड है पूरी तरह से और जहाँ का वो लॉयल कस्टमर है, बल्कि वो दूसरों को भी रेफ़र करेगा। और इसके मुकाबले में अगर कोई डिसलॉयल किस्म का कस्टमर है जो बिल्कुल ज़ाहिर बात है एक तरह से नाराज़ हो चुका है, तो वो तो ख़तरनाक हो सकता है किसी भी फर्म के लिए, और ज़ाहिर बात है ऐसा कस्टमर जो होते हैं नाराज़ वो फिर शेयर करेंगे सबसे और बताएंगे दूसरों को कि उस कंपनी की या उस शॉप की जो प्रोडक्ट है वो ख़राब है। और आज के दौर में तो वैसे भी जो इंटरनेट का दौर है तो आज के दौर में तो एक कस्टमर जो है अनसेटिस्फाइड कस्टमर और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। सो बॉटम लाइन क्या है, अ डिक्रीज 5% डिक्रीज इन चर्न कस्टमर टर्नओवर कैन इंक्रीज प्रॉफिट इमेंस, यानी कि अगर 5% भी डिक्रीज अगर हो जाता है कस्टमर के टर्नओवर में, टर्नओवर से मुराद ये कि जो कस्टमर छोड़ के जा रहे होते हैं उसको कस्टमर टर्नओवर कहा जाता है, अगर 5% डिक्रीज हो जाता है तो उससे क्या हो सकता है कि प्रॉफिट बढ़ सकता है तकरीबन 25 से 95% तक। सो इट इज़ क्लियर डेट डेवलपिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर की इज अ रिलेशनशिप इज़ अ की टू कम्पिटिटिव सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ये बात क्लियर है कि डेवलप करना और रिटेन करना कस्टमर रिलेशनशिप जो है की है, एक तरह से चाबी है कॉम्पिटिटिव सक्सेस की और प्रॉफिटेबिलिटी की। तो ये था आज का लेसन, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।